इतने सारे डायग्राम्स हैं, ये हम अपनी रोजमर्रा जो पैनल में भी देख पैनल पर भी देखते हैं, एसएलडी भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्केमेटिक डायग्राम में और मिमिक डायग्राम में क्या फ़र्क है, एसएलडी और ओएलडी में क्या फ़र्क है, और स्केमेटिक डायग्राम में क्या फ़र्क है, ब्लॉक डायग्राम में फ़र्क है। आज मैं इसके बारे में सारी बात करने वाला हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज आपको ये सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है लेआउट। किसी भी चीज़ का सबसे पहले लेआउट आता है। लेआउट मतलब मान लो हमने कोई प्लॉटिंग्स करनी है, कोई घर बनाना है, तो उसका पहले लेआउट आएगा, और उस लेआउट में हमें सारी डिटेल्स दी होंगी, जैसे लोड, केबल साइज, डिस्टेंस और क्या क्या इक्विपमेंट होंगे, उसको कहते हैं हम लेआउट। जैसा मैं आपको इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्लॉटिंग एरिया की इमेज है और इसमें आपको लोड भी दिया गया है और डिटेल्स भी दी गई है, केबल भी दिया गया है और कहाँ से केबल आनी है वो सब भी दिया हुआ है। ये होता है लेआउट। इसके बाद आता है ब्लॉक डायग्राम। फ्रेंड्स, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम वो होता है जब हम कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं या प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है सारे ही ड्राइंग के जानकार बैठे हों। हमें किसी ओनर को भी कोई चीज़ बतानी होती है, तो हमें जो स्कीम है हमारी, हमें जो करना है उसको ब्लॉक के रूप में बताना होता है। यानी हम किसी भी प्रकार के ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं और उसमें हम उन चीज़ों को लिख देते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और उसमें सारी चीज़ों पर नोमेनक्लेचर लिखा गया है कि ब्लॉक किस चीज़ का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद एसएलडी या ओएलडी। एसएलडी मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, इसको फ्रेंड ओएलडी यानी वन लाइन डायग्राम भी कहते हैं। क्या? वन लाइन डायग्राम भी कहते हैं। एसएलडी ओएलडी क्या होता है? एसएलडी एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट मीन्स हमें करना क्या है। जैसे आप इस इमेज में देखोगे, इस इमेज में मैंने दिखाया है, ये एक सीएसएस की यानी कॉम्पैक्ट सबस्टेशन से कहाँ कहाँ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसके बारे में बताया गया है। जैसे वहाँ से पहले फीडर प्लर में जाएगी, फीडर प्लर से घर में जाएगी, फीडर प्लर के अलावा कहाँ कहाँ जाएगी, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले कॉन्सेप्ट तैयार होता है, जिसको हम एसएलडी या वन एलडी कहते हैं, लेकिन वो पावर डायग्राम या कंट्रोल डायग्राम नहीं होता। इसके बाद क्या आता है वो हम देखते हैं। एसएलडी ओएलडी तैयार होने के बाद दोस्तों चौथी चीज़ बनाई जाती है, स्केमेटिक डायग्राम। स्केमेटिक डायग्राम क्या होता है? स्केमेटिक डायग्राम जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो, ये एक ड्यूएल स्टार्टर का स्केमेटिक डायग्राम है। इसमें कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको। यानी इसमें हम फंक्शन करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फंक्शन होगा, यानी हम स्विच को दबाते हैं तो उसके बाद क्या होगा और स्विच से कैसे सप्लाई चलेगी, वो हमें इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाता है अच्छे से, और हम सामने वाले को भी समझा पाते हैं, और इसी के हिसाब से हम अपना जो पैनल बनाते हैं या कोई भी स्टार्टर्स बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, एक कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम का मतलब हो गया जिसके थ्रू हम उसको चलाते हैं, और एक हो गया पावर डायग्राम। पावर डायग्राम में क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे थ्री फेज सप्लाई से हमें मोटर चलानी है, तो इसमें थ्री फेज या 440 वोल्ट सप्लाई रन करती है, या 11,000 या 33,000 या ज़्यादा सप्लाई रन करती है, जो मोटर चलाने के, पैनल चलाने के, किसी चीज़ के भी काम आती है, वो होता है पावर डायग्राम। अच्छा, कंट्रोल डायग्राम क्या होता है? जिससे हम कॉन्टैक्टर्स या कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मोटर को हमें ऑन करना है, ऑफ़ करना है, तो उस कंट्रोल डायग्राम में क्या है, हम यूज करते हैं ज़्यादातर 215 वोल्टेज या 110 वोल्ट या 24 वोल्ट, पैनल के केस में हम 24 वोल्ट भी यूज करते हैं, तो ये आता है स्केमेटिक डायग्राम के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इसके बाद पांचवी चीज़ की मैं बात करता हूँ, फिफ्थ चीज़ आती है, फिफ्थ जो लास्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं मिमिक डायग्राम। ये आपने सुना होगा, लेकिन देखा भी है आपने, लेकिन आप इसको जल्दी से पहचानते नहीं हैं। कहाँ होता है ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ये है मिमिक डायग्राम, पांचवी चीज़ है मिमिक डायग्राम। फ्रेंड्स,
मिमिक डायग्राम जो होता है, ये सारी चीज़ हो जाने के बाद, जैसे हमारा पैनल पूरा तैयार हो गया, पैनल पूरा तैयार होने के बाद हम पैनल पे मार्किंग कर देते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में, मैंने क्या है कि एक HT पैनल का ड्राइंग इमेज लगाई हुई है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक इनकमर है और ये लास्ट वाले चारों जो हैं ये आउटगोइंग्स हैं। इस पे ये मार्किंग लगी हुई है इस तरीके से, ऐसे नीचे वाला ये चार आउटगोइंग की मार्किंग्स लगी हुई है। इसमें हम पैनल का ACB ऑन होना, VCB ऑन होना, VCB बंद होना, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, और इंडिकेशन भी प्रॉपर आते हैं। ये होता है मिमिक डायग्राम। आपने ये LT पैनल पर भी देखा होगा, अगर आप अपने बिल्डिंग्स में या कहीं भी काम करते हैं तो बिल्डिंग में अगर थोड़ा पीछे हट के देखेंगे तो LT पैनल पे भी मार्किंग प्रॉपर रहती है। साइनेज के थ्रू से पता चल जाता है कि ये हमारा बस कपलर है और इसे हम काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा इनकमर है, ये हमारी आउटगोइंग है, ये हमारी DG है, सबके सिंबल रहते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा मिमिक डायग्राम जो है LT पैनल पे या पैनल पे मार्किंग मिल जाएगी, उसको कहते हैं मिमिक डायग्राम। मिमिक डायग्राम में क्या है फ्रेंड्स, एक जैसे अगर कुछ बड़ी चीज़ है और हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हम डेमो भी बनाते हैं मिमिक डायग्राम में। मतलब काफ़ी बड़ा डेमो बना लिया कि ये हमें चलेगा कैसे, और उस पर हमने सिर्फ इंडिकेशन लगा दिया, उसमें पावर डायग्राम नहीं होता है, सिर्फ इंडिकेशन लगाते थे कि हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये आएगा, ये सिलेक्टर स्विच ऑफ करेंगे तो ये आएगा, ऐसे ऑन होगा और इसके बाद ये ऑन होगा, या इस तरीके से कंट्रोलिंग चलेगी। यानी कंट्रोलिंग हम प्रॉपर उसमें शो कर देते हैं, प्रॉपर इंडिकेशन लगा दें और सारी चीज़ें इंडिकेशन लगाने के बाद, स्विच लगाने के बाद सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि हम ऐसे ऐसे हमारा ऑन ऑफ होगा, तो वो मिमिक डायग्राम होता है या हमारा डेमो डायग्राम होता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें हमें कुछ पूछना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर आंसर ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो बनाने लायक टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाकर आपको शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही।